परम सुख डेयरी फार्म चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, जे है हमारे फार्म की गाय रूबेका, तो जे कैंप मैन बुल की है, सॉरी मैसी की, जे मैसी बुल की है। और इसका दूध जो हम है निकाल रहे हैं बकेट में, तो इसने हमें अभी 5:15 बजे के करीब 2 बछड़ी दी है, जिसका नाम रख दिया है मैंने गहना और दूसरी का नाम रख दिया है मैंने सुनैना। और एक गहना और सुनैना की माँ है रूबेका। तो हम इसकी दोनों बछड़ी को बोली पिलाएंगे जितना वो पीना चाहे। तो इसने आलमोस्ट जो बोली है बहुत ही अच्छी दी है, दोनों बछड़ी का जो पेट है पूरा फुल हो जाएगा। तो अभी इसका कोई नंबर नहीं आ रहा है, क्योंकि कल सुबह मैं कंप्यूटर में इसका पूरा जो डाटा है वो फील्ड कर दूंगी, सारा उसमें लिख दूंगी, बना दूंगी इसका न्यू डाटा। तो इसके ऊपर नंबर भी आना शुरू हो जाएगा, इसके नाम भी आना, नाम के ऊपर इसका नंबर लिख दिया जाएगा ऊपर। तो ये सेकंड लैक्टेशन में है और बहुत ही अच्छी हमारी कौ है जी। तो अभी इसने जेर फेंकी नहीं है, लेकिन हमने इसका जो दूध है वो निकाल दिया है अभी बकेट में। तो कुछ लोग की मानना है कि अगर जेर नहीं फेंकी है तो बछड़ी को दूध नहीं पिलाएंगे बच्चे को, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बच्चे को जल्दी से जल्दी उसकी माँ का पहला दूध है वो पिला सकते हो 30 और 40 मिनट से पहले पहले, ताकि बछड़ी जो है वो। तो ये स्प्रे है बीटाडीन की, जो मैं बछड़ियों की नाभि पे लगाऊंगी, ताकि कोई भी बैक्टीरिया जो उनकी नाभि के पास ना आए, उनके तुन के ऊपर, नाड़ू के ऊपर। इसमें मैंने बीटाडीन डाली हुई है। तो ये जो बछड़ी है, ये है गहना और इसका नाम रख दिया है मैंने सुनैना। तो अभी हम इनको बोली पिलाएंगे, ताकि ये बोली पी के पूरा पेट फुल हो जाए और इनके अंदर जो है बीमारियों से लड़ने की शक्ति पैदा हो जाए, क्योंकि छोटे बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कम होती है। और इनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इसकी माँ का दूध इनको 5 दिन पिलाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी फार्म से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। नाभि पे स्प्रे लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है बछड़ी के। तो और दोनों हेल्दी हैं, बहुत एक्टिव हैं, और दोनों का वेट भी तकरीबन कोई 35 केजी के ऊपर ही होगा। तो हमने तूड़ी के बेड बना दिए हैं और ये दोनों पूरी निग्गी हो रही है। अब इनको हम कंबल वगैरह ओढ़ देंगे इनके ऊपर, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो स्वेटर भी डाल देंगे। ऐसे हम जो फीडर के साथ है दोनों बछड़ियों को पिलाएंगे दूध। थैंक यू। इन्होंने बहुत सारा जो गुड़ खिलाया है, अभी इनको चोंग पूरी जो है चूस रही है निप्पल को, तो जल्दी ही अपनी जो मिल्क फीडिंग है वो ख़त्म करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।